Myself, Arvind Kumar Dubey, teacher of English in Godavari Academy of Science and Technology, Chhatarpur, Madhya Pradesh. Students, today I am going to teach you a poem, We Are the Future. It is Indo-Anglian literature, English literature based upon Indian theme, written by Indian writer or author or poet. Yani Bharati lekhakon ke dwara भारतीय पृष्ठभूमि पर अंग्रेजी में लिखी गई कविता है. वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य हैं. नॉट जस्ट यू और ना तो आप या नॉट जस्ट ही और सी और ना ही वह कोई मैस्कुलाइन जेंडर, सी फॉर फेमाइन जेंडर. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट और दे. द पोएट हैज यूज्ड प्रोनाउन. बट वी, परंतु हम सब लोग, और डस्ट डस्ट करके पोएट ने छोड़ा है. यहाँ पर वी का मतलब यूनियन, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है. वी वर्क एज ए टीम, जिस तरीके से टीम के खिलाड़ी होते हैं, सभी लोग मिलकर टीम स्पिरिट के भाव से खेलते हैं, इसी तरीके से हम सब लोग टीम की तरह काम करते हैं. अकेला खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेलता, बल्कि वो पूरी टीम के लिए खेलता है. वी लिव बाय अवर क्रीड, हमारे जो धार्मिक मत हैं, हमारे जो धार्मिक विश्वास हैं, उन्हीं के आधार पर हम रहते हैं. कोज वी बिलीव, और हम उन्हीं मतों को मानते हैं जिन मतों पर को हम विश्वास रखते हैं, या जिन मतों पर हम विश्वास रखते हैं उन्हीं मतों को हम मानते हैं. दैट वी आर द फ्यूचर, ये टाइटल सॉन्ग है, बार बार रिपीट है. वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य हैं. स्टूडेंट ऑफ टूडे इज द सिटीजन ऑफ टुमारो, आज का जो विद्यार्थी है वो कल का हमारा क्या है, भविष्य है. We have the power, हम लोगों के पास पावर है, हम पावर रखते हैं, शक्ति रखते हैं. We have strength, हमारे पास ताकत है. Strength means ताकत, यानी भारत में इतनी पॉपुलेशन है, ये सब भारत की क्या है, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. और जितने भी भारतीय हैं वो सब पावरफुल हैं. यहाँ पर वी वर्ड जो आया है, वी प्रोनाउन जो आया है, प्लूरल है, ये इंडियन भारतीयों के लिए प्रयोग किया गया है, अवर कंट्री मैन. वी शैल फिनिश द रेस, हम दौड़ को पूरा करेंगे, हम दौड़ को समाप्त करेंगे. नो मैटर द लेंथ, चाहे लंबाई कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, यानी लंबाई चाहे जितनी ही क्यों ना हो, हम उसको पूरा करेंगे, दौड़ को. वी वर्क टूगेदर, हम सब लोग एक साथ काम करेंगे, यानी यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. यदि हम एकता में रहेंगे तो हम बने रहेंगे, और यदि हम बढ़ जाएंगे फ्रैक्शन में, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो हम टूट जाएंगे, हमारा देश टूट जाएगा. कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज, कोई भी समुदाय, कोई भी देश, कोई भी परिवार प्रोग्रेस नहीं कर सकता यदि वो यूनाइटेड नहीं है. यानी नो फैमिली, नो नेशन, नो कम्युनिटी, नो सोसाइटी कैन प्रोग्रेस इफ दे आर नॉट यूनाइटेड. एक्सेप्टिंग एवरी चैलेंज, हम लोगों को प्रत्येक चुनौती का सामना करना पड़ता है. एक्सेप्ट का अपोजिट रिजेक्ट, मना करना. एवरी एम एंड एवरी गोल, गोल मीन्स टारगेट, हमारा जो भी लक्ष्य है, टारगेट है, उद्देश्य है. वी आर द फ्यूचर, हम सब लोग भविष्य हैं. द फ्यूचर इज अनोन, अन प्लस नो, अन प्लस न्यू, अन प्लस नॉन. हियर अन इज नेगेटिव प्रीफिक्स, नकारात्मक उपसर्ग है. शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, अंग्रेजी में उसको प्रीफिक्स कहते हैं. प्री मीन्स बिफोर, फिक्स मीन्स जुड़ना, हियर अन नेगेटिव प्रीफिक्स है. द फ्यूचर इज अनोन, भविष्य अज्ञात है. इट इज अ स्टोरी अनटोल्ड, यहाँ पर भी अननेगेटिव प्रीफिक्स है. ये एक ऐसी कहानी है जो किसी ने नहीं बताई है. इट इज अ मूवी अनसीन, और भविष्य की फिल्म
किसी ने नहीं देखी, यानी भविष्य टोटली, फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन, भविष्य बिल्कुल अनिश्चित है, भविष्य अज्ञात है, भविष्य की कहानी किसी ने नहीं बताई है, भविष्य की फिल्म किसी ने नहीं देखी, कल क्या हो जाए किसी को पता नहीं, टू बी मेड बाई यू एंड मी। लेकिन हमारी जो फिल्म बनी है या जो हम लोग हैं इस संसार में, वो आप हैं और मैं हूँ, यानी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को हम पहले महत्व देते हैं, फिर फर्स्ट पर्सन यानी टू और वन। नो मैटर व्हाट दे टेल यू, कोई विषय वस्तु नहीं है, कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है, वो हमें क्या बताते हैं, आवर फ्यूचर इज ब्राइट, वी आर ऑप्टिमिस्टिक, हम आशावादी हैं, हम भविष्य को अच्छे तरीके से देखते हैं। वी शैल फेस एवरी हर्डल, हर्डल मीन्स डिफिकल्टीज, हम प्रत्येक चुनौती का सामना करेंगे, करेंगे। वी शैल क्लाइंब अप दी हाइट, और हम ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे, ऊंचाई पर चढ़ जाने का मतलब हम प्रोग्रेस करेंगे। वी आर द फ्यूचर, और हम सब भारतीय कल का भविष्य हैं। फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स, जो हम सब लोग बने हैं, वो कुछ लोग शहरों से आए हुए हैं, कुछ लोग कस्बों से आए हुए हैं। हियर वी हैव कम, यहाँ पर हमारे देश में हम सब लोग आए हुए हैं। टुगेदर एज वन, हम सब लोग साथ साथ रहते हैं। इंडिया इज द होम ऑफ ऑल द लिविंग फेथ्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की सभी जातियां भारत में निवास करती हैं। देयर आर हिंदूज, देयर आर मुस्लिम, देयर आर सिख, देयर आर क्रिश्चियन, देयर आर ज्यूज, देयर आर जोरास्ट्रियन एंड सो ऑन, ऑल आर लिविंग एमाइएबल, फ्रेंडली स्पीकिंग ईच अदर एंड रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स रिलीजन ऑल्सो, यानी भारत देश में हर जाति के लोग निवास करते हैं, हर धर्म के लोग निवास करते हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे के धर्म का स्वागत करता है। देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ पर अनेकता में एकता है। टुगेदर एज वन, सब लोग यूनाइटेड हैं, इंडियन है। टू बिल्ड आवर नेशन, सबका पर्पस है अपने राष्ट्र को संपन्न बनाना। यंग वोमेन एंड मैन, हमारा जो युवा वर्ग है, चाहे वो मैस्कुलाइन जेंडर हो या फीमेल जेंडर हो, वॉकिंग हैंड इन हैंड, वो सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का और हाथ से हाथ मिलाकर देश की प्रोग्रेस में मदद कर रहे हैं। वी स्टैंड बाय अवर क्रीड, आज हम लोग हैं वो अपने विश्वास पर हैं, धार्मिक मतों पर हैं। प्राउड टू बी इंडियंस, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। वी आर द फ्यूचर, ये लिरिक है, ये सॉन्ग है, ये गाया गया है या लिखा गया है सोनिया सिर सर, ये अपने इंडियन पोएट है। और थैंक्स, सी यू टुमारो।